अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत मशहूर मिसाल है कि किसी गरीब की किसी बंदे बेवकूफ़ की दार रोड की उन्हें अं तेरू रोड खाना है। ठीक है जी, तो एक मिसाल अजकल बड़ी फेमस भी है, यदा मैं कंपैरिजन करांगा इंडियन मीडिया नाल, इंडियन एजेंसी नाल, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने BSF नाल या होर इंडिया जिन्हें अदारे ने सिक्योरिटी के अदारे ने उन्होंने हवाले नाल, कि पाकिस्तान जो एक कबूतर उड़ गए, एक तोता उड़ गए, एक कौवा उड़ गए, एक बलून उड़ गए, गुब्बारा उड़ गए, इंडिया चले जाए इंडियन हाई जेट जो बड़े बड़े व्डे त्यारे ना उन्होंने हिट करने की कोशिश करता। ईवन के पिछले दिनों 2022 के एंड ते कबूतर एक छड़ा उड़ के चल गया सी, जिहड़ा ना उन्होंने फड़ लिया इंडिया वाले ने। 14 दिन उन्होंने उस कबूतर नूं रिमांड च रखिया, यानी कि वह बगैर वीजे तो गया सी। ठीक है ना, वो किसी शिकारी ने इधरों उड़ाया सी, किसी अपना ना कबूतर शकीन ने इधरों उड़ाया सी बाजी लगाने वास्ते। तो इंडियन मीडिया ने उस तो पहले एक तोता फड़िया, फिर एक तो पहले कबूतर फड़िया, कि साडा बलून गया वह भी उन्होंने फड़ के तो उन्होंने फाड़ दिता फसाद में। पता नहीं पाकिस्तान ने की कर दिता है। इंडियन मीडिया तो इधरों जी साड़ी मशरकी सरहद है साइड तो जी चीज़ उड़ के चल जाती है ना, इन्होंने तो एक मिनट तो पहले कैप्चर करता है कि ये कि चीज़ आ गई है, क्यों आ गई है। ठीक है ना, कोई जांच पड़ताल नहीं। ईवन के कब्बे कबूतर तोते जड़े पंछी दौड़ के जाते हैं, जड़े परिंदे दौड़ गए उन्होंने भी गिरफ़्तार कर लेना। इन्नी सिक्योरिटी टाइट है उन्होंने, इन्नी सिक्योरिटी टाइट है कि उन्होंने दिल के अंदर की धड़क रहा, उन्होंने जिसम के अंदर की है। ठीक है ना, कोई बंब लैके आ गया या कोई चीज़ ऐसी लैके आ गया जिससे साड़ी आवाम नूं साड़े मुल्क नूं या साड़ी यानी सिक्योरिटी एजेंसियों को खतरा हो सकता है। लेकिन एक हाल ही दे विच 2-4 दिन 5 दिन पहले की गल है कि इंडियन एक पाकिस्तानी औरत, पाकिस्तानी सिटीजन औरत, 4 बच्चे लैके एक आप खुद 5 यानी कि पाकिस्तान तो फ्लाई करके दुबई, दुबई तो खटमंडू, खटमंडू तो इंडिया इंडिया और नेपाल की बार्डर से, बार्डर तो बगैर पासपोर्ट के, बगैर इनविटेशन लैटर के, बगैर किसी सूरत हाल के तो इंडिया चल जाती है। इंडिया ने मीडिया को 1.5-2 महीने तक खबर ही नहीं होती, क्योंकि 11-12 मई में उसे पहुँचती है। उस तो बाद 1.5-2 महीने तक 50-60 दिन तक उन्होंने किसी किस्म की कोई खबर नहीं, कोई इतने आया नहीं आया। ईवन के जो इधरों सा कबूतर उड़ के जाता है मशरकी सरहद वाली साइड तो, पंजाब की सरहद तो, या कोई कौवा उड़ के जाता है, या कोई अपना तोता उड़ के जाता है, कोई बलून उड़ के जाता तो उन्होंने फड़ लेंदा। लेकिन एक औरत ना उसके कोल कोई पासपोर्ट, ना इंडियन वीज़ा, ना गल्लां को बाद वो इंडिया दे विच जिहड़ी सिक्योरिटी एजेंसियां ने सुतियां होईयां एजेंसियां ने, ये हुण अपना रोना पिटन डे जी, ये है वो है। ठीक है जी, उस औरत नूं रिकनाइज़ नहीं कर सके, आया कि पाकिस्तानी है, आया कि इंडियन है, आया कि ये नेपाली औरत है। उन्हें टीका लाया अपना लबादा सिर्फ हिंदू वाला ओढ़िया, उहदे बच्चे भी 4 ने। ठीक है ना, किसी नूं और सब तो मेन वजह इंडिया का कैपिटल सिटी जिहड़ा इंडिया का दिल्ली जिहड़ा बहुत बड़ा यानी कि सिक्योरिटी एजेंसी का गढ़ है, जिसे हर इंडिया का हर एक फैसला होंदा है। ठीक है ना, उत्थे उह जाके रहण लग पई, उहदे 50 किलोमीटर दूर ते अपना इंडिया और UP की सरहद उत्ते एक नरेड़ा इलाका, उत्थे जाके उस पिंड दे विच लग पई रहण। फिर वह किसी अपना ना रेंट ते हौसला लिया, उदों उन्होंने पता चलिया जदों वो वकील कोल गए ना निकाह करन वास्ते या शादी चक्कर रहन वास्ते भी मेरे बच्चे ने या वादा दा, अगर वो वकील कोल ना जांदी वो 50 साल होर भी रहिंदी, इंडियन मीडिया नूं खबर नहीं सी होनी। लेकिन एक हैरानी की गल है, इधरों कबूतर उड़ के जांदा उन्होंने फड़ लैंदा, ये इंडियन मीडिया की बहुत बड़ी नाकामी, इंडियन एजेंसी की BSF की एड्डी बड़ी नाकामी, इंडियन आर्मी की एड्डी बड़ी नाकामी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि असं तो यह कर देना वो कर देना, और सब तो वड्डी तो मज़े की गल है कि 1-sided रिपोर्टिंग हो रही है, एक साइड से रिपोर्टिंग हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल नैशनल TV नहीं दस रहा, पाकिस्तानी मीडिया ने डिनाई किया है, वह ना तक नहीं है। मुमकिन है पाकिस्तानी मीडिया ने पता है हर चीज़ का इलम है, लेकिन ना पाकिस्तान की किसी CCB ने एक दिन की अपना ना कि ना का अपना BBC ने एक रिपोर्ट दी की है, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान जिन्हें नैशनल TV ने जो चलते पे ने कोई रिपोर्टिंग उसके मतलब नहीं कर रहा उस बंद की, कोई छोटे मोटे लोकल यूट्यूबर जोड़े ने उस वीडियो चाड़ते पे लै के, लेकिन अदरवाइज़ किसी बंद ने सरकारी सतह दे या कोई कंडम नहीं किया या कोई उद्दा कोई बयान साढ़े फॉरन अफसर नहीं दिता। ठीक है जी, एक औरत गई है, इंडियन मीडिया ने इन्नी हाइप क्रिएट की हुई है, इन्नी हाइप क्रिएट की हुई है कि असी सोच रहे यार की है औरत, वो जसूस है, वो ISI है, वो पाकिस्तान आर्मी के रिश्तेदार है या भाई मुलाजम। लेकिन इंडियन मीडिया उस चीज़ में लैके इन हाइप क्रिएट इंटरनेशनल लेवल से जोड़ा ना अपनी TRP बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक साइड से होर भी गल है, एक साइड से इंडिया ने एक अपना खलाई शटल बनाया, खलाई जहाज बनाया जोड़ा वो चंद पर जा रहा है, चंद पर घलन वास्ते अज या कल उड़ना है। ठीक है जी, वो इन्ने अरबा रुपया ला के उन्होंने चंद पर घलन, वो बारे च कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। इन्ने पैसे तुम लाए ने अपने आप से लाए ने, अपने मुल्क की अपना नाम उचा करने वास्ते लाए ने, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही।
सिर्फ यूट्यूब तो लै गए, फेसबुक तो लै गए, टिकटॉक ते, इंस्टाग्राम ते, जिन्ने प्लेटफार्म है, ट्विटर, जिन्ने प्लेटफार्म है, सिर्फ तुसी मोबाइल खोल दे हो, कोई ऐसी ऐप खोल लेंदे हो, सब तो पहले अगे सीमा हैदर। सीमा हैदर यार की औरत है, साइको बना के रख दिता होया, अवाम नू पागल बनाया। 1 करोड़ 40 अरब आबादी है इंडिया की, सॉरी 1 अरब 40 करोड़ आबादी है इंडिया की, 40 अरब एक गड्ड मगर लगे हैं, उस की निकलना है बगैर वीजे तो। हम सू समझ आ गया कि इंडिया सिर्फ जी सी मशरक की सरहद है इतों डिफेंड करता है। अं नेपाल वाली साइड तो आज साढ़ा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अं चाइना की साइड तो आज साढ़ा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ ऐसी मशरक की सरहद है, एल ओ सी जी इधर सू डिफेंड कर दो, दूसरी साइड तुम जितना मर्जी उतर जाइए, अपनी फौज घल दी, अपने बंदे घल दिए, तुम सुते हो। मेजर गौरव आ रही है, कल पुछना भिटता पाया भी आ रहा है, हो गई है। लेकिन इंडियन मीडिया में मेरे के रब का वास्ता है, या जिदा भी तुम वास्ता मनते हो वास्ता थोड़ी मेहरबानी है, अपनी यह सरहद नहीं, वो भी सरहद सेव करो। पता नहीं किन्ने के जसूस पाकिस्तान गए होंगे, एक औरत नहाती औरत ना इन्नी पढ़ी लिखी, ना गल ना कोई बात, ठीक है जी, माड़ा मोटा मोबाइल यूजर आ, गेम तो खेल रही थी, वो चल गई, अगर वह दूसरा ट्रस्ट है कि वो गलत है या नहीं गलत है, ठीक है ना। लेकिन वो धोखेबाज औरत है, विश्वासघात किया पाकिस्तानियों नाल, अपनी फैमिली नाल, अपने रिश्तेदार नाल, अपने बच्चे नाल कर रही है, अपने शोहर नाल कर रही है, अपने खामद नाल, जिद नाल गई है वो नाल भी धोखा दे रही है। और इंडिया के मजहब के बच्चे, हिंदू मजहब के धोखा दे सब तो बड़ा जुर्म है, कबीरा जुर्म जिन्हों कहते हैं, जिन्होंने अरबी कहते हैं कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। लेकिन वो गुनाह करते भी है, सब तो पहले उन्हें अपनी फैमिली नाल किया, ठीक है जी, धोखेबाज औरत ने अपनी फैमिली, अपने बच्चे नाल, अपने वालदेन नाल, अपने जो सहुरा परिवार है या सहुरा खानदान है उन्होंने, अपने हसबेंड नाल, जो उन्होंने 3-4-5 साल तो लगातार पैसे कमा के बाहरों फॉरन तो उन्होंने घल रहा है, पैसे कारते इस तरह करे, और 4 पासपोर्ट बनाए ने उस बंदे ने भी, तू यह पासपोर्ट बना तो खत्म होएगी तो तैन मैं विजिट विजिट दे इतने सऊदी अरब सद लाँगा थोड़े को नहीं। उन उस चीज़ का फायदा उठाया, बच्चों के पासपोर्ट उस बंदे ने बनवाए ने, इहदा पासपोर्ट उस बंदे ने बनवाया, और ये तो ट्रस्ट करके तो यकीन करके सारे पैसे इनू सेंड किए हैं, ठीक है न। इस औरत ने धोखा किया उस बंदे गरीब नाल, ठीक है जी, वो पिटता पाया, उसकी कोई इंडियन मीडिया ने बिठा के सिर्फ बेस्ट करता पाया, फेस लिया के वह भी गुलाम हैदर बैठा, बस उन्होंने बेस्ट करना शुरू करता, वो एडा पढ़िया लिखा भी नहीं है, और जवाब दिता उसकी आवाज़ वो बलर कर देना, कट देंदे, वो बेचारा उन्हें वो आवाज़ साफ आती है, आवाज़ साफ आती है, जो इंडियन के जो तजिया नगार बैठे टीवी तो वे जे अपने बैठे हुए हैं कि ना वह जी इंडियन कुड़ी जी पाकिस्तान गई है सीमा वो बंदा वो की है बंदा चिबड़ जो है ना वह रंग ना रूप ना वो कोई घर है ना वो कोई सहागता वो प्यो न बोलन का पता नहीं ठीक है ना उस मुंडे बोलन का पता नहीं ठीक है ना तो जी साढ़े साइड तो गई है वो फराटेदार उर्दू बोलती है फराटेदार हिंदी बोलती है फराटेदार इंग्लिश बोलती है फराटेदार सिंधी बोलती है हर एक जबान जी 4 जबाना पूरा अबूर हंसा है मोबाइल की जबान समझती है लैंगुएज समझती है टिकटॉक की लैंगुएज समझती है यूट्यूब की लैंगुएज समझती है पबजी गेम उसकी लैंगुएज समझ। लेकिन मैं हैरानगी इस चीज़ की आ रही है, इस चीज़ का मैं आ रहा है कि यार इंडियन एजेंसियां जिन्होंने जिन प्रशासन कहते हैं या जी लॉ एंड ऑर्डर के सूरत देख दें IBI उन्होंने रॉ जी सारिया सोतियां हुई नशा पीता हुआ कि चीज़ खाधी हुई है आवाम इंडियन आवाम में ये बारे में सोचना चाहिए तो जरूर सोचो। साढ़ा एक कबूतर जाए तुम फट के 14 दिन रिमांड रखते हो, एक औरत गई है 5 बच्चे लगे बगैर वीजे तो बगैर किसी गल तो तो तुम उन्होंने अपना ना अपना फुलों से बिठा लिया जी बल्ले 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 जी की है भी उन्हें एक हिंदू मजहब माड़ा जहा मुमकिन हो कल पाकिस्तान आ जाए तुम की करोगे। 4 तो 5 कुड़ियां पंजाब तो दिल्ली तो हरियाणा तो पाकिस्तान आई हुई हैं 4-4 5-5 बच्चे छड़ गए गुजरांवाले रह रही हैं लाहौर रह रही हैं फैसलाबाद रह रही हैं और लाहौर हाईकोर्ट में उन्होंने केस लगे हैं साढ़े मीडिया ने रिपोर्ट भी किया लेकिन जी हाइप क्रिएट नहीं की तू क्यों छड़ के आई है क्यों ऐसा ना कर एक औरत गुजरांवाले रह रही है पंजाबी है लेकिन वो हिंदू है वो सिख नहीं हैगी वो छड़ के आई कहते मेरा शोहर टॉर्चर करता ही चंद महीने पहले वो पाकिस्तान के अपना मीडिया से वो रिपोर्ट भी हुई सी अपना ना रिपोर्टिंग हुई सी तो उन्होंने कहा मैं अपने 5 बच्चे छड़ गया मेरा शोहर मैंने टॉर्चर करता है मैं पाकिस्तानी लड़के नाल माड़ी मोटी मेरी स्नैपचैट से गुफ्तगू हुई तो मैं वीज़ा लगा के पाकिस्तान आ गई हूँ वापस नहीं गई लाहौर हाईकोर्ट में उन्हें अप्लाई किया है कि मैं नैशनलिटी इतों दे रही गुजरांवाले रह रही है लाहौर 2-3 औरतें रह रही है कराची रिसेंटली एक मुस्कान नाम की लड़की आई है ठीक है ना होर करतारपुर राज थ्रू कई लोग एक हरियाणा की कुड़ी करतारपुर बार्डर टप्पण की कोशिश की है करतारपुर आ गया फिर लेकिन सिक्योरिटी उन्होंने फड़ लिया पाकिस्तान साइड से आने की कोशिश की है फिर मैं एंटर हो जाऊँ पाकिस्तान लेकिन उन्होंने फिर फड़ लिया 2-3 ये वाकया हो चुके हैं एक
कर्नल रैंक की लड़की, इंडियन कर्नल रैंक की लड़की, पाकिस्तानी लड़के नी मोबाइल से चैटिंग हो गई, गप शप हो गई। मुड़ा फॉरनर रहा यूरोप किसी कंट्री रहा, वो गया उन्होंने मिलन, मिलन के वह कहती मैं इतों लै चल अपना ना मुल्क लै चल। अज तक तो सूरत हाल है, तुम कहते फ्रीडम की गल है, असी फ्रीडम दी हुई है लड़कियों, हूँ फ्रीडम तो साढ़े वाली साइड तो है, ठीक है ना। एक औरत है सिंध की, बैकवर्ड एरिया की औरत है, एड्डी पढ़ी लिखी नहीं, वो चार मोबाइल है, वो गल भी करती पी बगैर कली ना, वो कोई वह केयर टेकर है ना, वो कोई उन्होंने गाइड करने वाला किसी किस्म का कोई बंदा नहीं है। वो तो वीज़ा लवादी है नेपाल का, नेपाल का वीज़ा लवादी है, टिकट लेंदी है शारजा शार्ट तो नेपाल, नेपाल तो फिर अगर बह के जाती है। ये फ्रीडम तो की है, इन आज़ादी नहीं तो की कहोगे। पाकिस्तान टॉर्चर हो रहा खवातीन का जी, औरतों के महिला मारो ये है वो है। सब तो ज़्यादा अगर दुनिया के कि टॉर्चर हो रहा तो इंडिया हो रहा है औरतों से, सब तो ज़्यादा अगर टॉर्चर हो रहा है औरतों के पेट के पता लग जाए भी बेटी है पेट के मार दिता जाता है। दुराने हमल, इस तक आके हमल जिन्होंने कहें वो कर दिता जाता है। दुराने मैं मैंने बेटी नहीं चाहिए, मैंने बेटा चाहिए, उसके पेट के अंदर ही कोई जहर का टीका या कोई सिस्टम ला के बच्ची मारता, पता लग जाए भी ये अंदर पेट के अंदर बेटी है। इस तक हो रहा है, सिर्फ 2000 साल पुरानी कहानी दोहराई जा रही है, औरतों को मारने की कोशिश करना है। तो जगह जगह लिखता औरत बचाओ औरत पढ़ाओ, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पेट के अंदर जी बेटी उन्हें भी तो बचाओ। ये सूरत हाल इंडियन अपना, तुम अपना सिस्टम चुके देख लो, 1.25 लाख औरत रोज़ दिल्ली के किनारे तो रोड फुटपाथों सुती होती है, वो कहने इज्जत करनी है। पाकिस्तान तो जी चल गई तुम लापे कहीं सिर पर बिठा लिया, तो लापे पैसे दें तो गल ज शाल लापे पान सरोपे भेंट लापे करना, जे पाकिस्तान जे उ दिल्ली के रोडों से या कलकत्ता के रोडों से सुते ने या बंबई के रोडों से, यानी औरतें जवान सुती हुई हैं, रोड दो चार बंदे सुते हैं। 50 करोड़ आबादी ऐसी इंडिया की, अज तक बाथरूम ही नहीं है, शौचालय नहीं है, लैटरीन जिन्होंने कहते हैं नहीं हैगी। दिल्ली के 17 रोज़ाना रोज़ाना BBC की रिपोर्ट है, मैं अपने को नहीं कह रहा, दिल्ली की सैड जिधर अपना अपना रेलवे ट्रैक है उस साइड से 17 बंदे रोज़ाना बुनियाद पर मरते हैं, सिर्फ हाज के चक्कर पेशाब करने जाते ना ट्रेनों की, कि ट्रैक तो ट्रेन को पता नहीं लगता, ट्रेन लंघ जाती बंदा मर जाता है। यह तो सूरत हाल है दिल्ली की, कैपिटल सिटी है इंडिया का, सब तो बड़ा कैपिटल सिटी है, जितों मोदी सरकार या दूसरे तरीके ने भी उन्होंने प्रधानमंत्री या वजीर मानते हैं तो उन्होंने बह के स्टेक करते हैं। तो मेरा कहना मकसद भी पाकिस्तानी औरतों को छोड़ो अपने अंदरूनी मामला का, तो सोचने का मुकाम है थोड़े अंदर, तू अपना समझ आ रही कि अं पाकिस्तान डिफेंड करने हैं, करने पे आए हैं, पाकिस्तान की बतकोई कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपनी जी थोड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है BSF रॉ या IB जी भी थोड़ी एजेंसी है उन्होंने तुम चेक करो, वो सुती रही है, ठीक है ना, वो लस्सी पी के सो रही है, उन्होंने पता ही नहीं लगा कि एक और चार पांच बच्चे ले गए, पंजवीं आप आके पासपोर्ट तो बगैर भी जो बगैर पाकिस्तान इतने इंडिया आ गई और रह भी कैपिटल सिटी के रही है, जिहड़ा इंडिया का बिग सिटी है जिथे सारी हुकूमती अदारे बैठे हुए हैं, थोड़ी नक् थले एनी थोड़ी सिक्योरिटी है, साडा कबूतर चाहे तो तुम फड़ लेंदे हो, कवा चाहे तो फड़ लेंदे हो, तोता चाहे फड़ लेंदे हो, गुब्बारा चाहे तो तुम फड़ लेंदे हो, ईवन कि इधरों कोई टिड्डी दल का पिछे हमला वो उधर चल गई तो तुम क्या वो पाकिस्तान इल्जाम लाता है, हूँ किधर इल्जाम ला डे हो, हूँ तुम्हें सिर पर बिठा डे भी हिंदू मजहब कबूल कर लिया, सिर्फ एक औरत, लखां लोग रोज़ाना अलहमदुलिल्लाह इस्लाम कबूल करते हैं, लखां लोग इस्लाम कबूल करते हैं, तो इस्लाम मिटिया नहीं, इंशाल्लाह वधदा पिया, दरख्त ऐसा वधदा ही रहना, क़यामत तक वधदा रहना। तो एक टाइम आएगा कि इंडिया के भी इस्लाम का ज़्यादा से ज़्यादा बोलबाला आएगा, जिस चीज़ तुम दबाओगे वो इंशाल्लाह उत्ते आएगी। तो मेरा कहने का मकसद कि तुम सानू कुछ ना कहो, पाकिस्तान ना कुछ भी, तुम्हारी मेहरबानी है, तुम सिर्फ सिर्फ अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के कोल चुको, साढ़े ना चुको कि तुम की कर रहे हो, थोड़ी सिक्योरिटी एजेंसी लस्सी पीती है, सत्तू पी के सुती हुई थी, ठीक है, तुम्हें पता नहीं लगा एक औरत आ गई है, खा पी के थोड़ा अपना ना चल गई, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा 12 ने थोड़ी सिक्योरिटी की तनखा लेंदी है, हर चीज़ खाँदी पीती है, तो उन्होंने चैकिंग का सुती हुई थी, वो अपना ना बार्डर से नेपाल की बार्डर से एक कश्मीर इस साइड तो चिड़िया भी जाए को सप्प बेचारा भुल गए, जो कुत्ता चले उन्होंने फायर मार देंगे, जब डंगर चारण वाला बंदा उन्होंने फड़ के तो तुम ला लें, मच्छियाँ फड़न वाले बंद ला जाते हो, ठीक है जी। तो जी औरत गई है बगैर भी तो उन्होंने तो अपना स्वीकार कर दे कबूल करने सीने लाने ना पैसे देन दे, ये गैर कानून नहीं है, गैर कानून नहीं है, गैर कानून नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान से ना तुम चीको चलाओ या पाकिस्तान लड़के से ना चीको चलाओ या औरत से ना, तुम अपने मीडिया में अपने सोचने का मुकाम थोड़े पास, तुम अपनी जी थोड़ी एजेंसी है रॉ या IB या कोई BSF है उन्होंने दोषी ठहराओ, उन्होंने गुनाहगार है, गुनाहगार ही वो है, ठीक है ना, पाकिस्तानी गुनाहगार नहीं है ना, पाकिस्तानी औरत वर्ग ला के लै गए इन्हों
वो इंशाल्लाह ही वापस आना ही आना है, ठीक है ना, आना ही आना है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।